Assalamualaikum, what's up guys? Hopefully you are all fine. जैसा कि आप देख रहे हैं, finally आज फिर से बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है श्रीनगर में. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊं और दिन में जो भी अपडेट्स होंगी मैं उनसे आपको रूबरू कराता रहूँगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा. राइट नाउ मैं अभी 90 फीट रोड पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो खेत है, मैं खेतों की तरफ फोकस कर रहा हूँ. तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मंज़र है. उम्मीद करते हैं कि एक दो फुट अगर बर्फ़ आज जमा हो जाएगी तो और भी अच्छे ब्लॉक्स आएंगे इंशाल्लाह एक दो दिन में. मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अल्लाह ताला हम पे मेहरबान होंगे और फाइनली हमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी. वैसे चिले कलान तो अब ख़त्म ही हो चुका है, अब वो इंटेंसिटी नहीं रही, अब ये जो बर्फ़ है फ्रीज भी नहीं होगी. बट स्टिल हमें पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला पे यकीन है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी सुनेंगे. और फाइनली जो पहाड़ बिल्कुल खुश्क हो चुके थे उन पहाड़ों को अब कुछ तो नमी मिलेगी. तो और यहाँ से भी आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मंज़र पूरे श्रीनगर में भी आपको देखने को मिलेगा. यहाँ से देखिए 90 फीट रोड और यहाँ से देखिए आप कितने अच्छे खुले खुले बड़े बड़े खेत हैं. आप देख सकते हैं नज़ारे. मुझे नहीं लगता श्रीनगर में कहीं पे भी हमें इतने बड़े बड़े खेत देखने को मिलेंगे. तो बर्फ़बारी में जब बर्फ़ पड़ती है तो ये खेत और भी अच्छे हो जाते हैं और भी इनकी जो ब्यूटी होती है, ये मेस्मराइजिंग व्यू जो होता है और भी अच्छा हो जाता है. यहाँ से 90 फीट रोड और यहाँ से खेत. अभी हम तकवा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं. देखिए मैं आपको तकवा मस्जिद के भी नज़ारे दिखाऊंगा. अहमदनगर की तकवा मस्जिद बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है. मैं आपको तकवा मस्जिद के नज़ारे दिखाता हूँ. 90 फीट की तकवा मस्जिद बहुत ही अच्छी मस्जिद है और ख़ूबसूरत मस्जिद है. आप देख सकते हैं यहाँ से तकवा मस्जिद और यहाँ से गैलेक्सी पब्लिक स्कूल. आज दिन में जो भी अपडेट्स होंगे बर्फ़बारी के बारे में तो वो मैं आपको दूंगा. और अगर हमें बर्फ़बारी में कुछ और दिलकश नज़ारे कैप्चर करने का मौका मिला तो इंशाल्लाह वो नज़ारे भी कैप्चर करेंगे. उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा व्लॉग बहुत ही अच्छा लग रहा होगा. अगर किसी भी वजह से ये व्लॉग आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और इस व्लॉग को शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी मज़ीद अच्छे से अच्छे व्लॉग्स आपके लिए ला पाएँ. वैसे मैं व्लॉगर नहीं हूँ बट सभी आज व्लॉगिंग ही करते हैं तो मैंने सोचा एक व्लॉग हम भी बना लेते हैं क्योंकि आज मौका भी है. आप देख सकते हैं बर्फ़ की चादर बिछी हुई है और ये बर्फ़ की चादर ज़्यादा भी नहीं है बट आप क्या कर सकते हैं. अगर आज ज़्यादा बर्फ़ जमा हो गई तो इंशाल्लाह और भी व्लॉग्स आएंगे आपको एक दो दिन में, जिसमें मैं आपको बर्फ़बारी के लुत्फ अंदोज़ और बहुत ही मेस्मराइजिंग जो व्यूज़ होंगे वो उनसे हम किनार कर आऊँगा.
और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको हमारा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि मैं भी बहुत ही भीग चुका हूँ बर्फ़ में। ये जो स्नो हुई है अभी, मुझे कुछ लाने जाना था मार्केट, तो मैं अभी वही सामान लेने गया, बट मैं बहुत भीग चुका हूँ, आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर अभी तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा फ़र्स्ट व्लॉग पसंद आएगा। मुझे थोड़ा सामान लाना था और मैं सामान लेने के लिए बाहर निकला था। अभी यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ज़ायरा टावर्स के पास, और यहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी है मुझे। आपको मैं दिखाता चलूँ कि जो गवर्नमेंट ने एवरग्रीन के जो पेड़ लगाए हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, 90 फीट के बीचों बीच। कितना अच्छा लग रहा है, और जब स्नो होती है तो उसका लुत्फ़ उठाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आज अगर एक फुट या एक फुट से ज़्यादा शाम तक जमा हो गई तो इंशाल्लाह हम आपको उसके मंज़र भी दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग हमारा बहुत ही पसंद आएगा। अभी तो फ़िलहाल हम पोर्ट्रेट मोड में ही बना रहे हैं, ये वैसे आमतौर पे लैंडस्केप मोड पे बनाया जाता है, बट मेरे एक हाथ में छाता है और दूसरे हाथ में मोबाइल फ़ोन, तो दैट्स वाई मैं लैंडस्केप मोड में नहीं बना पा रहा हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्नो सेटल हो जाएगी, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा और बर्फ़ पड़े ताकि ये सारी स्नो जो है ये जमा हो जाए। कम से कम एक फुट की तो हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह आज, बट लग नहीं रहा क्योंकि चिले कलान ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो चिले कलान में सेटल होता था मगर अभी नहीं लगता। बर्फ़बारी होने की वजह से अभी टेम्परेचर में भी बहुत ही फ़र्क आ चुका है, जो पहले माइनस में टेम्परेचर रहता था और ज़्यादा शिद्दत की सर्दी होती थी अभी उतनी नहीं है।
तो टेम्परेचर में भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आया है, उतनी ठंड नहीं। चलो अब हम घर की तरफ चलते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले व्लॉग्स के लिए तैयार रहें। इंशाल्लाह और भी व्लॉग्स आएंगे फ्यूचर में, तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।